साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। और इस समय जैसा कि आपको पता है कि फतेहाबाद जिले की सारी इलेक्शन की कंपेनिंग हम कर रहे हैं और इस समय बट्टू क्षेत्र की तमाम अपडेट आपको समय समय पर देते आ रहे हैं। ऐसे में बट्टू क्षेत्र के जिला परिषद के जोन नंबर 2 के अंदर मैं पहुंचा हूं। यहां पर एक आपने नाम चर्चित सुना होगा, पूजा बाल सिंह जिला परिषद के जोन नंबर 2 से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चाएं उनकी आपने अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी। पूजा बाल सिंह के नाम की जोड़ी के अनुरूप आपने जो चर्चाएं सुनी है, बाल सिंह जो है प्रतिनिधि हमारे साथ, उनसे चर्चाएं करते हैं। जिला परिषद के जोन नंबर 2 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समर्थन, कैसा लोगों का प्यार प्रेम आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं धरातल न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। राम जी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 2 में आपने गए होंगे, आपको हर जगह आपका बेटा, आपका भाई तरह का प्यार दे रहे हैं, हर जगह आप बेटा मानकर प्यार दे रहे हैं। जैसे लोगों में मिल रहे हो आप, युवा साथी है, युवाओं की अगर बात करें, प्रत्येक गांव से युवा किस रूप में निकल के आ रहे हैं, किस तरह के समर्थन के साथ आ रहे हैं? हर युवा दे रहे हैं कि मैंने 15 सालों से हर खेल के अंदर, हर युवा के हर आयोजन में मैंने भाग लिया है। रक्तदान शिविर हो, हर प्रकार की मैंने सेवा की है, साफ सफाई हो, हर मुद्दा मैंने पूरा जी जान से उठाया है। अगर वर्ग की बात की जाए, आपने वर्ग की किसी गरीब मजदूर की तैसी की आपने भी आवाज, हर गरीब मजदूर की हर जगह मैंने आवाज उठाई है। हमारे वहाँ बट्टू मंडी में प्रताप नगर पड़ता है, प्रताप नगर में जो बारिश के अंदर पानी भरिज गया था, मैंने जी जान से मेरे साथियों के साथ पानी निकालने का भी काम किया था। अगर बेटियों के लिए बात की जाए, देखा जाए आपकी जीत होती है उसके बाद बेटियों हर मैंने हर बेटियों के शादी में मैं जाता हूँ, गरीब बेटियों के, मैं भी गरीब हूँ लेकिन मेरे से होता है उससे मैं ज्यादा करने का काम करता हूँ। जैसा मैंने सुना है कि आपका टीम वर्क खुद बनता जा रहा है, लोग खुद आपकी हेल्प के लिए आ रही है, सपोर्ट कैसी मिल रही है लोगों? मैंने 15 साल से जनता के बीच में सेवा करता आ रहा हूँ, 15 साल से जनता, हर आदमी को पता है कि ये गरीब बेटा 15 सालों से सेवा करता आ रहा है। हमारे गाँव के अंदर लगभग 5-6 महीने पहले पिछली गर्मियों में जल सेवा की दिक्कत आई थी, मैंने 3 महीने तक लगातार जल सेवा की थी, लगातार लगभग 10-10 टैंकर लगा के हर गांव में जल सेवा की थी, हर प्रकार की सेवा हो। मैंने कोरोना काल के अंदर हर घर में आदमी था लेकिन ये आपका बेटा, आपका भाई हरदम गांव को बीच में फिरता था, सैनिटाइजर करना, मास्क बांटना, हरदम जनता के बीच में रहा मैं। पिछले आप 2-3 सालों से ये चीजें करते आ रहे हैं, आपकी जैसे ही आप बनते हैं, जैसे ही आपके पास कार्यभार आता है, उसके बाद प्राथमिकता के पहली कलम से आप क्या काम करने वाले? मेरा प्राथमिक तो यह रहेगा कि मेरे वार्ड नंबर 2 में थोड़ा नशे का ज्यादा प्रकोप हो चुका है, मेरा सबसे मुद्दा होगा कि नशा मुक्त मेरा वार्ड नंबर 2 बनाने का काम रहेगा। अच्छा, और जो गरीब बेटियों की बात की जाए, गरीब वर्ग की बात की जाए, खेलों की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, इन मुद्दों पर आप क्या? मैं हर खेल में बढ़ावा देने का काम करूंगा, हर गांव में मैं खेल में जाता ही हूं मैं, लेकिन मैं और भी जीतने के बाद उससे कई गुना खेल में बढ़ावा देने का काम करूंगा मैं। अब केवल 2 दिन देखा जाए तो 2 या 3 दिन बचे हैं, ऐसे में आपकी आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली है? मेरी तो यही अपील रहेगी मेरे वार्ड नंबर 2 के सभी मतदाताओं से, मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि हर वो मतदाता अपना बाल सिंह समझकर, पूजा बाल सिंह समझकर, हर अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को कहे कि हमारा बेटा खड़ा है चुनाव में, उगते सूरज का सामने वाला बटन दबाकर अपने बेटे भाई को जिताकर कामयाब करे, ताकि आपको 15 सालों से सेवा करता आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा आपकी और सेवा करूं। जो अब उम्मीद आप कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, जिन उम्मीदों को लेकर, उन उम्मीदों पर आप लोगों की कितना खरा उतर पाएंगे? मैं तो पूरा विश्वास दिला सकता हूं, 15 सालों से बीच में हूं, मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं, 15 साल से आपके बीच में हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं 15 सालों से सेवा की है उसे कई ज्यादा सेवा करूंगा, फिर मैं आगे मतदान चुनाव लड़ने का काम करूंगा, तो काम पे वोट मांगूंगा वरना वोट नहीं मांगूंगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ ये बाल सिंह थे प्रतिनिधि, इन्होंने अपने 15 साल के पीछे के 10 से 15 साल के जो काम आए थे लोगों के, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे गरीब मजदूर की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के गरीब की आवाज उठाने की बात हो, इन्होंने बताया कि हमेशा से मैं आगे रहा हूं। चलिए, 22 तारीख को चुनाव है और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि ये जिन जो लोग इनसे उम्मीदें कर रहे हैं उन पर 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी नरेंद्र कुमार के साथ सुदेश पुनिया, भट्टू, फतेहाबाद।